हम आपको लेकर चलते हैं तस्वीर दिखाने के लिए भिवंडी के मानकोली स्थित हरिहर कंपाउंड में एक G+1 इमारत अचानक 10:30 बजे के दरमियान ढह गई, जिसमें अब तक एक की मौत और पांच लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल यह इमारत 10:30 बजे के दरमियान जब यह गिरी उस समय 70 से 75 लोग काम कर रहे थे, पर इमारत को क्रेक होता देख सभी बाहर निकल गए और 5 से 7 लोगों की फंसने की खबर यहां पर सामने आई, जिसमें 4 लोगों का रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है, पर 4 से 5 लोगों की और भी फंसने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। हम आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से इंजर्डों को बाहर निकाला जा रहा है। लगातार NDRF TDRF साथ में भिवंडी दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल पर राहत कार्य में जुटी हुई है। लेकर चलते हैं वहाँ का हम एक आपको विशेष रिपोर्ट दिखाने के लिए। हम इस वक्त खड़े हैं भिवंडी के दापोड़ा कंपाउंड हरिहर कंपाउंड के इलाके में, जहाँ पर एक G+1 दो मंजिला इमारत 10:30 के दरमियान अचानक ढह गई। इसमें 50 से 55 लोग उस दरमियान काम कर रहे थे, पर क्रेक होता हुआ देख और लोगों ने अपनी जान बचाई। इसमें एक व्यक्ति जो वॉचमैन था उन्होंने 24 से 25 लोगों की जान बचाई, जिसमें 6 लोगों की दबने की भी खबर आई, पर लास्ट में पता चला वह वॉचमैन जो जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है उसने 24 लोगों की जान बचाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर यह कह सकते हैं कि यह इमारत जो गिरा है इसका सबसे अहम कारण यदि अगर देखें तो उस ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो वहाँ पर एक निर्माणाधीन फिर से निर्माण किया जा रहा है एक के ऊपर एक। यदि अगर हम उस ओर देखें तो देखिए बगल से ही पूरी तरीके से क्रेक स्लैब जो गिरा हुआ है उसका लोड बर्दाश्त न कर पाया, जिसके कारण यह इमारत गिरने की एक आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इसमें जो रेस्क्यू किया गया अब तक 6 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है, पर अब यह देखना है कि कितने लोगों का और भी रेस्क्यू किया जाता है। इस घटना से संबंधित इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि भिवंडी शहर में यदि अगर हम ध्यान दें तो ऐसे इमारत की भरमार है, आए दिन ऐसे इमारत की गिरने की घटना सामने आती रहती है। इसके ऊपर कब लगाम लगेगा ये देखने की बात होगी। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए 7 न्यूज़।